नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ आज से रायपुर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सुबह ही राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बड़ी संख्या में शिक्षक जुटे और हाथों में रोटी लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सरकार को अपने घोषणा पत्र में किए वादों की याद दिलाई। आपको बता दें कि प्रदेश में 2516 नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं शिक्षक और चार साल से ये फैसला अटका हुआ है। प्रदर्शनकारी विद्या मितानों ने आरोप लगाया कि भूपेश सरकार हमारी एक सूत्री मांग को लेकर लगातार गुमराह कर रही है और 10 दिन में मांग पूरी करने का वादा किया गया था और अब सरकार बने करीब 2 साल हो गए हैं फिर भी कोई फैसला नहीं हुआ। सालों से प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर के शिक्षा मितान लगातार भटक रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार बने लगभग 2 साल बाद 3 बार प्रदर्शन कर चुके अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के और आज एक बार फिर शिक्षा मितान जो यहां पर है उग्र आंदोलन कर रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ। उन्हें घोषणा पत्र में जो उन्होंने अपनी बातें रखी थी उन बातों को सिर्फ पूरा करने के लिए लगातार यहाँ पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विद्या मितान भी यहाँ पर मौजूद है कि आज यहाँ पर एक बार फिर आप लोग प्रदर्शन पर उतर गए हैं, किन किन मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, उसका एक चित्र यहाँ पे देखिए। आप पहले ये देख लीजिए, ये हमारे मुखिया हैं भूपेश बघेल। जब विपक्षी सरकार थी हम लोग यही 28 दिन का हड़ताल किए थे तो हमारे हड़ताल में आके बैठे, बोले आप लोग परेशान मत होइए, ये आप लोग परेशान मत होइए, ये जो सरकार है असंवेदनशील है, ये सुनती नहीं है किसी का, आप लोग हमको लाइए, हम आपका जो है पूरा मांग पूरी कर देंगे। और वहीं पे इन्होंने कहा कि 10 दिन में आपको हम नियमितकरण कर देंगे और आज तक हम लोग 10 दिन नहीं हुआ सर, आप बताइए 20 महीने सरकार बने हो गया। हम मानते हैं आज कोरोना काल है, जैसे सबको आप बोल रहे हो कि हम आपको कोरोना के बाद नियमित कर देंगे, हमको भी एक लेटर जारी करो कोरोना के बाद नियमित करेंगे। हमको 10 दिन का वादा किए थे उसके बाद में आप रेगुलर भर्ती लाए और तमाम चीजें चल रहे हैं, हर चीज हो रहा है, तो इसके लिए कोरोना नहीं है सर। ये एक महिला भी यहाँ पर बैठी हुई है जो बैनर पकड़ी हुई थी, घोषणा पत्र पर अमल करो, विद्या मितान को नियमितीकरण करो, इनसे भी हम कुछ बातें करते हैं कि आखिर आप लोग यहाँ पर नियमितीकरण की मांग को लेकर के बैठे हैं, कब तक ये हड़ताल चलते रहेगी, क्या कुछ हड़ताल तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ही होना ही चाहिए और हम लोग करेंगे ही, क्योंकि सरकार के ऊपर से बिल्कुल भी विश्वास हम लोगों का उठ चुका है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी कि उस समय में जिस समय में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न कोटि का था, उस समय में हमारे बीएड क्वालिफाइड टीचर्स जो है जिनके की विद्या मितान के रूप में पोस्टिंग हुई और ए सरगुजा बस्तर जैसे संभाग जहाँ कहीं कोई भी टीचर जाना नहीं चाहता वैसे स्तर पर जाके वैसे बच्चों को उन्होंने पढ़ाई, तक अपना पैसा लगा लगा के हमने बच्चों को किताब बुक प्रोवाइड वगैरह कराया और बच्चों के साथ इतने अच्छे हमारे टर्म्स हो गए थे। और अचानक से हम लोगों को बोला गया, जब कांग्रेस की सरकार आई आने के पहले ही बोला गया कि हम लोगों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा, पूरे विद्या मितान का नियमितीकरण कर दिया जाएगा। बट ऐसा हुआ कि नियमितीकरण करने के बजाय 300 लोग वंचित हो गए और अतिथि शिक्षक का कटोरा पकड़ा दिया गया। अभी अतिथि शिक्षक अस्थायी जॉब है, ओनली फॉर अस्थायी, हमें नियमितीकरण चाहिए है। आज के डेट में सारे के सारे लोग वंचित है और हम लोगों को नियमितीकरण मतलब नियमितीकरण ही चाहिए। अब देखना ये होगा किनके प्रदर्शन के बाद सरकार पर क्या असर पड़ता है और सरकार किस तरीके के फैसले लेती है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। राज्य प्रशासन